तो ऑर्डर टकाकेल्स की बात करी जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है वो है इसका हेटरोट्राइकस नेचर। अब हेटरोट्राइकस नेचर जो है, हमने जब बीएससी में हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हेटरोट्राइकस नेचर क्या होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी हैबिट प्लांट बॉडी या प्लांट थैलस का जिसमें वो इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों ग्रो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हेटरोट्राइकस नेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात बहुत अच्छे से यहाँ दिखाई गई है कि ये तो देखिए कि आप ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं पैरेलल टू द सबस्टेटम और ये प्लांट इरेक्ट चल रहे हैं। तो इनमें प्लांट बॉडी जो है वो दोनों तरफ ग्रो करती है, दोनों डायरेक्शन में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों, और इस वजह से जो है वो इसको हम बोलते हैं हेटरोट्राइकस नेचर। तो डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट ग्रोइंग राइजोमेटस एक्सिस, ये जब देख लीजिए थोड़ा ग्रीन उतना नहीं है क्योंकि राइजोमेटस एक्सिस है ये, एंड इरेक्ट ग्रोइंग एरियल एक्सिस ऑफ शूट, और इरेक्ट जो है वो ग्रीन आपको दिख रही है सब। बोथ द शूट्स आर डेंसली कवर्ड विद म्यूसलेज पेपली। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर आ जाती है कि दोनों ही शूट, चाहे वो ये वाली शूट हो जो आपकी ग्रो कर रही है प्रोस्ट्रेट और एक ही ग्रो कर रही है इरेक्ट, दोनों में ही म्यूसलेज पेपली होती है। म्यूसलेज पेपली का मतलब ये है कि इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है वो ऑल ओवर दी जो एक्सिस होती है शूट की, शूट है, लीफ है, उस पर भी आपको इस तरह के छोटे छोटे कर जो एक तरह से उभार होते हैं सेलुलर, इनको ये मिल जाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं म्यूसलेज पेपली, क्योंकि पेपली तो ये हैं और इसके अंदर जो है वो क्या भरा होगा, वो म्यूसलेज भरा हुआ होता है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं म्यूसलेजिनस पेपली या फिर म्यूसलेज। इस तरह से ये जितना भी है ये सब क्या है, म्यूसलेज है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसका हैबिट हेटरोट्राइकस है, प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों तरह से ग्रो करता है और इसके शूट्स पर म्यूसलेज पेपली मिलती हैं, चाहे वो इरेक्ट वाली हो या फिर प्रोस्टेट वाली हो। फाइलेट्स, कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि फाइलेट्स क्या होती हैं। तो फाइलेट्स इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है इसके जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये करेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर लीव जो हैं वो द लीव्स आर प्रेजेंट इन थ्री रोज विच आर स्पायरली अरेंज। तो थ्री रोज में है, स्पायरली अरेंज होती हैं, एंड दीज लीव्स, इनको फाइलेट्स भी कहते हैं, आर सिलिंड्रिकल विथ टू टू फोर फिंगर लाइक लोब्स। अब ये एक लीफ है, इसमें आप देख लीजिए ये इस तरह से उंगलियों की तरह आपको लोबिंग दिख रही है, ये जो लोबिंग आपको दिख रही है ये तो एक लीफ इस तरह चल रही है, ये जा रही है लीफ, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें ये जो फिंगर्स हैं वो बनी जा रही हैं, तो इसको ही बोलते हैं फाइलेट्स। बहुत पतली पतली सिलेंड्रिकल होती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पत्तियाँ जो हैं वो एकदम फ्लैट नहीं होती बल्कि सिलेंड्रिकल होती हैं। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये लंबी लंबी गोल गोल सी लीव्स बन जाती हैं, तो जब ये मैच्योर होंगी तो इनमें ब्रांचिंग होने लगती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है, और हो जाएगी तो इस तरह से, और इधर भी हो जाएगी तो इस तरह से आपको फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन दिखने लगते हैं। तो ये एक्सिस है इसका प्लांट का, और ये सब जो है इनको हम बोलते हैं फाइलेट्स। राइजॉइड्स आर एबसेंट, राइजॉइड नहीं होते कहीं पर भी, आपको यहाँ यहाँ कहीं पर भी कोई राइजॉइड नज़र नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लीफ हैं फाइलेट्स की तरह हैं और राइजॉइड्स इसमें नहीं होते, फिंगर लाइक लोब्स होती हैं उसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसी से लीफ बन जाती है और सिलिंड्रिकल होती है, ग्रीन होती है। एंथ्रीडियन आर्चिगोनिया, अब गैमेटोफाइट में तो उतनी चीज़ें होती हैं, गैमेटोफाइट में एक राइजॉइड्स होता है वो है नहीं, यहाँ पर एक्सिस है वो आपको बता ही दिया, एक्सिस होती है ग्रीन होती है इरेक्ट की और लगभग जो है वो डल ग्रीन या ब्राउनिश होती है प्रोस्टेट वाले की, और दोनों पे पेपली पाई जाती हैं और लीव जो है वो फाइलेट्स होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, प्रोजेक्शन उसमें बने होते हैं और उनको फोटोसिंथेसिस उनका फंक्शन होता है। जहाँ तक सेक्स ऑर्गन्स की बात आए तो यहाँ पर आप देखिए कि एंथ्रीडिया है ना आर्चिगोनिया, ये ब्रायोफाइट में ये कॉमन टर्म है, आर्चिगोनियट प्लांट होते हैं तो आर्चिगोनिया होना जरूरी है, आर्चिगोनिया होगी तो एंथ्रीडिया भी होगा। एंथ्रीडिया टर्मिनल एंड प्रेजेंट इन ग्रुप, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको क्लब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं के ये क्या है, एंथ्रीडिया है, मेल पार्ट टर्मिनल है, एक्सिस, ये एक्सिस आपको दिख रही है और इस एक्सिस के ऊपर बिल्कुल इसके टॉप पर ये स्ट्रक्चर बनते हैं, तो टर्मिनल होते हैं ये।
Archegonia also present in group either terminally or stem surface. They are stalked and long neck. यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये इस तरह से थोड़ा सा स्टॉक होता है और ये यहाँ पर आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट, और ये तो आपका ये जब कैप्सूल बन जाता है जब बड़ा हो जाता है, और ये सीटा बन रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्चिगोनिया बन गई है। तो यही पार्ट कभी आर्चिगोनिया होगा, तो इसी तरह से जैसे कि आप ये मेल देख रहे हैं यहाँ पर ये मेल पार्ट है, इसी तरह से इसका काउंटर पार्ट जो आर्चिगोनिया है वो भी बने होते हैं। ये भी टर्मिनल बनते हैं, ये भी टर्मिनल बनते हैं, और इस तरह से जो है जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फिर सीटा इसी में से निकलता है आर्चिगोनिया के अंदर से, और ऊपर कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट, अब ये पार्ट ये वो चीज़ है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, तो जब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट हैज डिस्टिंक्ट फुट, फुट इसमें अच्छा होता है, वो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है यहाँ पर इस जगह पर। इलॉन्गेटेड सीटा, ये इलॉन्गेटेड सीटा दिख रही है आपको यहाँ पर, आपको ये फुट दिखा। ओवेट इलॉन्गेटेड कैप्सूल, ये लगभग ओवल सा इलॉन्गेटेड कैप्सूल आपको दिख गया, ये कैप्सूल हो गया। विद मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल, कैप्सूल वॉल जो है मल्टी लेयर्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कैप्सूल वॉल का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी लेयर्ड होती है। डोम शेप्ड आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम जो है वो गुंबद की तरह होता है, इस तरह से बना होता है। एंड सेंट्रल कोलोमेला, तो ये तो इस तरह से आर्किस्पोरियम बन गया और इसके बीच में ये कोलोमेला आ गया, जैसे कि स्फैग्नम में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर तो स्पोर्स आ जाएंगे और ये कोलोमेला हो गया। जब हम उसकी एलएस करेंगे तब हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। अपरकुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोम आर एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं जो मॉसेस में कॉमन होती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल हैज करेक्टरिस्टिक थिकनिंग इन द सेल ड्यू टू विच सेल ल्यूमन बिकेम मोर और लेस फ्लास्क शेप्ड। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल, जो बाहर की सबसे बाहरी लेयर होती है कैप्सूल वॉल की, उसमें थिकनिंग पाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी वजह से जो है वो ल्यूमन बहुत छोटा सा हो जाता है और जो सेल है उसका शेप फ्लास्क लाइक हो जाता है। तो जैसे कि ये सेल है और इसमें ल्यूमेन जो है वो बहुत छोटा बन गया, तो ये तो इसका ल्यूमेन हो गया सेल का, और यहां पर ये करैक्टरिस्टिक थिकनिंग बनती है। तो ये सिर्फ आउटर मोस्ट में होती है, बाकी जो है नॉर्मल सेल्स रहेंगी। डहिसेंस, अब ये एक सेम डायग्राम है जो कि आपका डहिस कैप्सूल का दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैप्सूल की वॉल इस तरह से खुली हुई है, और यहाँ से ये स्पोर जो हैं वो बाहर की तरफ डहिस हो गए होंगे। ये आपको पाइलेट्स दिख रही हैं, जो पाइलेट्स थी सिलिंड्रिकल लीव्स थी उन्हीं को पाइलेट्स कह रहे थे, वो दिख रहा है। ये एक्सिस दिख रही है, ये तो पाइलेट्स हो गई, और ये कैप्सूल दिख रहा है, ये अब ये जो है वो सीटा है, और यहाँ पर जो है वो कहीं पर फुट होगा। तो डेहिसेंस ऑफ द कैप्सूल टेक्स प्लेस थ्रू सिंगल लॉन्गिट्यूडनल लाइन, सिंगल लाइन होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था लैंटर्न मॉस में कि वहाँ पर चार लाइनें होती हैं और चारों से स्प्लिट कर जाता है, विच इज डेक्स्ट्रोजली ओरिएंटेड एंड द सेल्स आर विदाउट थिकनिंग। तो सेल्स में कोई थिकनिंग नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर के अलावा और थिकनिंग होती भी नहीं है। द स्पोर्स आर टेट्राहीड्रल डिस्टिंक्ट ट्राइरेडिएट मार्क, तो स्पोर अगर आप देखेंगे उसकी प्रॉक्सिमल सरफेस तो आपको इस तरह से एक डिस्टिंक्ट ट्राइरेडिएट मार्क नजर आएगा, और टेट्राहीड्रल होते हैं क्योंकि स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद आरडी होती है, रिडक्शन डिवीजन, और तब ये बनते हैं, तो ये अपने आप में टेट्राहीड्रल हो गए और हैप्लॉइड हो गए। ये एक फुल फ्लेज डायग्राम है जिसमें आप सभी चीज़ों को बनाते हैं, तो ये तो प्लांट का आपने हैबिट बना दिया, उसके बाद ये फाइलेट्स बना दी, ये आपने थोड़ा सा और जो एक ब्रांच को मैग्नीफाई करके बनाया, यहाँ पर ये कैप्सूल दिख रहा है, इसी में आपको एलएस आपको दिख गई,
ये पायलट्स का मैग्नीफाइड पोर्शन बन गया। यहाँ पर आप वो कैप्सूल की जो रपचरिंग है वो देखते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल वॉल में बाहरी वॉल जो आउटर लेयर है वो बहुत थिक है और बाकी नॉर्मल सेल्स हैं। इसी तरह से ये आप जो बंच देख रहे हैं ये वो हो गया कि जो म्यूसिलेज पेपिली दिखा रहे थे कि स्टम के ऊपर म्यूसिलेज पेपिली पाई जाती हैं वो आपको दिख गई। और यहाँ पर ये स्पोर्स दिख गए। एलेटर कुछ होते नहीं हैं तो उनकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैबिट हो गया आप प्लांट का। ये इसका मैग्नीफाइड भी हो गया और ये लीफ के ऊपर जो उसकी मिडरिब है वो दिख रही है। तो इस तरह से ये आपको एक डायग्राम टोटल ओवरऑल आप बना देते हैं। तो अब ये ऑर्डर पे आते हैं क्योंकि ऑर्डर से तो बात हो गई। टकाकियल्स ऑर्डर है और वो टकाकियल्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इसका टाइप जीनस है वो टकाकिया है, जो फैमिली टकाकियेसी के अंतर्गत आता है। फैमिली हो गई टकाकियेसी, जीनस हो गया टकाकिया, और स्पीशीज़ इसमें जो दो कॉमन है सेराटोफिला है, लेपिडोज़ोइडिस है। तो ये दो स्पीशीज़ जो हैं वो वर्ल्ड में कई जगह से मिली हुई हैं। तो इनको ही हम इस किसी एक स्पीशीज़ को लेकर इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यही होता है कि जब हम देखते हैं किसी जीनस में और ज़्यादा वैरायटी नहीं होती तो दो तीन अगर उसके कॉमन जो स्पीशीज़ हैं उन्हीं में से कोई स्पीशीज़ को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। और उससे क्या होता है कि हम फैमिली का करेक्टर भी जान जाते हैं, ऑर्डर को एक बार रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए कि प्लांट का जो हैबिट है वो किस तरह का है। ये तो वो पोर्शन हो गया जो कि हमारा चलता है प्रोस्ट्रेट, और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो गया, हेटरोट्राइकस। और ये आपको दिख रही है फाइलेट्स, ये है एक्सिस। तो इन्हीं के बारे में अब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्लांट में कोई अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है तो ये वेजिटेटिव प्लांट कहा जाएगा, वेजिटेटिव प्लांट। डिस्कवरी कैसे हुई टकाकिया की, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये जो हिमालय वाले रीजन से हुई है और जापानी और चाइनीज़ लोग जो थे वो एक एक्सकर्शन पे आए हुए थे, उस दौरान उनको कुछ प्लांट्स मिल गए थे तो उन वही टकाकिया बाद में हो गए। तो टकाकिया वॉज डिस्कवर्ड इन द हिमालयाज एंड डिस्क्राइब बाई मिट्टन। इट वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब सिंपली एज अ न्यू लिवर वर्ल्ड स्पीशीज लेपिडोजिया सेराटोफिला। लेपिडोजिया भी एक जीनस है, ये भी जो लेपिडोजिया आप पढ़ रहे हैं इसमें भी इसी तरह की पत्तियाँ होती हैं फाइलिक्स टाइप की, तो ये भी एक जीनस है। विद इन एन एग्जिस्टिंग जीनस, तो ये एक नई स्पीशीज बना दी गई थी। ये प्लांट मिला, इसके करेक्टर जो थे, ये प्लांट जो मिल गया इसमें उन्होंने देखे कि बहुत से करेक्टर जो हैं वो वेरिएबल हैं, लेकिन वो लेपिडोजिया के आसपास जा रहा होगा बाकी चीज़ों में। तो वेरिएबल करेक्टर के बेस पर फिर उन्होंने क्या किया कि एक नई स्पीशीज दे दी सेराटोफिला। लेकिन बाद में फिर इसमें और काम हुआ, दोबारा देखा गया, और दोबारा देखने के बाद इसको एक नया जीनस दिया गया जिसका नाम बड़ा टका किया। तो पहले इसका जो गलत नॉमनक्लेचर था वो लेपिडोजिया सेराटोफिला करके था, बाद में ये टका किया हो गया। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि लेपिडोजिया सेरेटोफिला में इसको इसको नाम दे दिया गया एज अ न्यू स्पीशीज विद इन एन एग्जिस्टिंग जीनस लेपिडोजिया के अंतर्गत। एंड इट वॉज दस लॉन्ग ओवरलुक्ड, और बहुत वक्त तक यही सब मानते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं थी कि ठीक है जो हुआ हुआ। द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर ऑड प्लांट्स इन द मिड 20th सेंचुरी बाई डॉक्टर टकाकी। तो डॉक्टर टकाकी भी बायोलॉजिस्ट थे, जापानी थे, और उन्होंने क्या किया कि इसको दोबारा से, उनको प्लांट कहीं मिल गए होंगे इसी लोकेशन में, उसको दोबारा से स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो लेपिडोजिया में डाला गया है, लेपिडोजिया में, ये गलत है और इसको जो है वो एक नया जीनस का नाम दिया। तो जीनस का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ गया, इनका नाम टकाकी था तो जीनस का नाम पड़ गया टकाकिया। तो इस तरह से ये पहली वो कैमरुलोसिडा प्लेट है जो कि इस पर्टिकुलर जीनस की, इस जीनस के नाम से बनी थी, जिसमें आप देख रहे हैं इसका हैबिट है ये। और इसके अलावा इसमें जो लीव्स हैं उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एक्सिस है उसको काट के दिखाया गया है, और यहाँ पर ये राइजोइड दिख रहे हैं। तो ये जो थे इन्होंने कहा कि ये टकाकिया है ना कि लेपिडोजिया है। तो इस तरह से जो एक चीज़ गलत चल रही थी उसको ख़त्म किया टकाकी ने।
The many unusual feature of these plant led to the establishment in 1958 of the species Takakia lepidozoides in the new genus Takakia, named to honor the man who discovered it. तो उन्होंने इनको रीडिस्कवर किया था, गलती को सुधारा था, तो उन्हीं के नाम पर इसको समर्पित कर दिया गया. रिकग्नाइज द यूनिक, क्योंकि इन्होंने ही यूनिक करेक्टर देखे थे जो कि पहले के जो मिटन थे, मिटन ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, उनको नहीं समझ में आया होगा और उन्होंने लेपिडोजिया बता दिया. लेकिन इन्होंने जो टकाकी थे, इन्होंने उसमें न्यू करेक्टर देखे जो कि लेपिडोजिया से एकदम अलग थे, और इस वजह से फिर वो नया जीनस बन गया और उन्हीं के नाम को उसको दे दिया गया. तो एक सम्मान मिल गया टकाकिया टकाकी को कि उनके नाम से एक जीनस दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं. द स्पीशीज ओरिजिनली डिस्क्राइब बाई मिट्टन, जो ऐसे पहले अभी बताई गई है, मिट्टन ने इसको देखा था और सब्सिक्वेंटली रिकोगनाइज बाई ग्रोले एज बिलोंगिंग टू दिस न्यू जीनस एंड अकॉर्डिंगली रीनेम टकाकिया सेराटोफिला. और फिर उसके बाद ग्रोले साइंटिस्ट थे ये, ग्रोले जो है ये टकाकिया की भी बात आए, इन्होंने फिर दोनों को देखा, इन्होंने मिट्टन वाला प्लांट भी देखा और जो टकाकिया ने जो बताया था, टकाकी ने बताया था, उसको भी देखा. और उसके बाद जो लेपिडोजॉइडिस स्पीशीज दी गई थी उसको उन्होंने नाम दे दिया पूरा नया, टकाकिया सेराटोफिला. तो ये नाम, ये जो नोमेनक्लेचर है, ये किसने किया? ये ग्रोले ने किया. तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे कैप्सूल दिख रहे हैं, ये सीटा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ये आपको ये फाइलेट्स दिख रही हैं इसकी, ये पूरा आपको बहुत अच्छा ग्रीन दिख रहा है. तो प्लांट इसी तरह से आपको नज़र आता है जब आप फील्ड में जाते हैं, और ये कैप्सूल वगैरह अगर वहाँ पे दिख जाते हैं तो पहचानना आसान हो जाता है. और नहीं तो फिर क्या होता है कि जो लीफ मिलती हैं उस तरह की लीफ जो है लेपिडोजिया में मिल जाती हैं, तो एक कन्फ्यूज़न रहता है वेजिटेटिव प्लांट देख के कि ये टकाकिया होगा कि लेपिडोजिया होगा. लेकिन जब फर्टाइल स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, तो फर्टाइल स्ट्रक्चर मिलने के बाद क्या होता है कि हमें एकदम सही पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए. क्योंकि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा क्लाइमेट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, और उस वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें फ़र्क फर्क मिल सकती है. लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल स्ट्रक्चर है अगर वो हमें मिल रहे हैं और उनमें वेरिएशन है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी और कैसे किससे अलग है, क्यों हमने अलग किया. तो ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब हमें ये फर्टाइल प्लांट इस तरह के मिल जाते हैं. ऑल द प्लांट्स ओरिजिनली कलेक्टेड लैक एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. अब शुरुआत में जो गलती हुई थी उसका कारण भी यही था कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे थे, तो वो लेपिडोजिया माना जा रहा था. देवर स्टराइल गैमेटोफाइट प्लांट, सबके सब क्या थे? स्टराइल गैमेटोफिटिक प्लांट थे. इवेंचुअली प्लांट्स विद आर्चिगोनिया वर फाउंड, फिर जो है आर्चिगोनिया मिल गया, फीमेल वाले प्लांट मिले विच रिजेंबल द आर्चिगोनिया फाउंड इन मॉसेज, जैसे कि मॉसेज में मिलती हैं फर्टाइल. अब लेपिडोजिया क्या है? लेपिडोजिया ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लेपिडोजिया जो है वो लीवर वल्ट है. तो उनकी पत्तियाँ, उसमें भी फाइलेट्स होती हैं, उसमें भी फाइलेट्स होती हैं. अगर वेजिटेटिव मिल रहा है तो हम ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लीवर वल्ट है या फिर मॉस है. तो ये बहुत मुश्किल काम है. लेकिन जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलने लगे तो उसके बाद ये क्लियर होने लगा कि भाई ये तो ऐसा है कि ये मॉस में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लेटर वगैरह नहीं है और इसमें करेक्टर जो कैप्सूल के हैं वो मॉस की तरह हैं, और आर्चिगोनिया भी बिल्कुल डेवलपमेंट उसका मॉस की तरह है. तो फिर ये पता चलने लगा कि ये प्लांट मिस आइडेंटिफाई हो गया था और इसको हमें ठीक करना है. तो उसी के नतीजा हुआ कि फिर ये जो लेपिडोजिया में कभी था वो फिर टकाकिया हो गया. तो कहाँ लीवर वल्ट और कहाँ मॉस, तो पूरा इसका कहानी बदल गई. तो कहाँ से मॉसेस से आ गया ये, मतलब लीवर वल्ट से चला गया ये मॉसेस में, और अभी तक इसका वही स्टेटस मेंटेन है. फर्टाइल प्लांट्स बेरिंग एंथ्रीडिया एंड स्पोरोफाइट वर रिपोर्टेड इन 1990. तो ये 1993 में मिल गए. कहाँ से मिले? एलुटियन आइलैंड्स अलास्का से, जो कि ये मैप दिखाया हुआ है. ये लोकेशन जो है ये आइलैंड्स की, जहाँ से ये प्लांट मिले थे, इन्हीं को कहते हैं एलुटियन आइलैंड. और ये इसका थोड़ा सा बड़ा है फिगर, और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कुछ इस तरह का है. एंड बोथ स्ट्रक्चर वर क्लियरली ऑफ द फॉर्म फाउंड इन प्रिमेटिव मॉसेस. तो प्रिमेटिव मॉसेस की तरह उनके स्ट्रक्चर थे, चाहे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया. तो एक बार जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलने लगे तो चीज़ बदल गई और लीवर वर्ल्ड से चली गई मॉसेस में. द डिस्कवरी इस्टेब्लिश टकाकिया एज अ जीनस ऑफ मॉस, ऑल दो एन अनयूजल वन. तो मॉस में चला गया क्योंकि एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मिल गए.
अगर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया ना मिलते तो फिर ये लिवर वल्ट में ही रहता, जब तक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से इसका डिमार्केशन नहीं होता तो सब इसको लिवर वल्ट ही मानते। तो वो जो गलती फिर चल रही थी, वो एक जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, जो मेल फीमेल ऑर्गन्स हैं, वो जब दिख गए तो वो वहाँ पर दूर हो गई। अदरवाइज ये अभी भी हम यही पढ़ रहे होते, क्योंकि ये बहुत पुराना कोई काम नहीं है। 1993 में प्लांट मिले थे, तो इतना उससे पहले पहले इसको सब यही मानते थे कि लिवर वल्ट है। 1993 के बाद फिर इसको इन्होंने मॉसेज में इसको ले गए, तो नाम भले बदल गया हो पहले, लेकिन मान सब लिवर वल्ट रहे थे। मॉसेज में जो इसका एक तरह से जाना हुआ है वो 1993 में हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? इन एशिया टकाकिया हैज़ सिंस बीन फाउंड इन सिक्किम, तो ये तो अपने देश में मिलता है, सिक्किम में, नॉर्थ बोर्निया, ताइवान, जापान। इन नॉर्थ अमेरिका द जीनस इज फाउंड इन द एल्टोनियन आइलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया। इट अकर इन वैरायटी ऑफ लोकल हैबिटेट्स फ्रॉम बेयर रॉक टू मॉइस्ट ह्यूमस एंड ग्रो एट एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम सी लेवल टू सब अल्पाइन। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा सा जो इसका एक तो ये एल्टीट्यूड ठीक ठाक है वहाँ मिल जाएगा, और साथ साथ जो टेम्परेचर है वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, जहाँ जहाँ पे कलेक्शन करेगा इनके, कभी एक दो प्लांट भी मिले हो, कभी कुछ ज़्यादा मिले, कभी कम मिले, लेकिन इन लोकेशन से कभी ना कभी ये प्लांट्स नोन हुए हैं। डिस्क्रिप्शन, टकाकिया, ये अब प्लांट यहाँ देख ही रहे हैं आप, टकाकिया का, अब तो टकाकिया आंखों में बस जाना चाहिए अब तक। तो टकाकिया इज नॉट ओनली अनयूजुअल अमंग मॉसेस, अनयूजल तो है ही है कि फर्टाइल ना मिले तो आप लिवर वर्ल्ड मानेंगे, बट अमंग ऑल लिवर लिविंग प्लांट्स द प्लांट जापानीज नेम नैन जेमोन जा गो के, जिसका मतलब है इम्पॉसिबल मॉस, मतलब मॉस तो है लेकिन असंभव टाइप का है, वही इसके इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। इट वॉज बिलीव्ड टू हैव द लोवेस्ट टाउन क्रोमोसोम नंबर, जो कि एन इक्वल टू 4 है पर सेल ऑफ एनी लैंड प्लांट। तो ये काफ़ी समय तक यही माना गया कि यही एक है जिसमें कि सबसे कम प्लांट में नंबर है एन इज इक्वल टू 4, लेकिन बाद में फिर जो है ऑस्ट्रेलियन डेजी जो है उसमें ब्रैकी ब्रैकिस्कोम डाइक्रोमोसोमैटिका, इसमें भी जो है वो एन 2 मिल गए। तो फिर ये स्टेटस इससे छिन गया और किसके पास चला गया, ब्रैकिस्कोमा डाइक्रोमोसोमैटिका, जिसके अंदर 2 मिल रहे हैं और यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। तो बहुत वक्त तक यही रहा सबसे कम नंबर वाला, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलियन डेजी को ये जो सम्मान है वो मिल गया कि इसमें सबसे कम एन की संख्या होती है, जो कि कितनी है, 2 है, और इसी के नाम से पता चल रहा है डाई क्रोमोसोमैटिका। फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर हम दूर से देखते हैं तो टकाकिया लुक लाइक टिपिकल लेयर ऑफ मॉस ऑन अ ग्रीन एल्गी ऑन द रॉक वेयर इट ग्रोज, तो ये लगता है कि मॉस की एक लेयर एल्गी के साथ ग्रो कर रही है। लेकिन जब हम क्लोज जाते हैं, क्लोज इन्फेक्शन, टाइनी शूट्स ऑफ टकाकिया ग्रो फ्रॉम द टर्फ ऑफ सिलेंडर क्रीपिंग राइजोम, क्योंकि हेटरोट्राइकस है तो नीचे भी इस तरह से आपको दिख रहा है और ऊपर भी प्लांट आपको दिख रहे हैं, तो नीचे का तो लगता है कि क्या है कि ये एल्गी ग्रो कर रहा है, जबकि वो होता क्या है, वो प्रोस्टेट टकाकिया ही होता है, और ये इरेक्ट आपको दिखते हैं। तो दूर से देखने में तो यही लगता है कि एल्गी के ऊपर आपके ब्रायोफाइट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका हेटरोट्राइकस नेचर जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है और यहाँ पर दोनों तरफ ही ग्रो करता है। द ग्रीन शूट विच ग्रो अप फ्रॉम द टर्फ आर सेल्डम टॉलर देन 1 सेंटीमीटर, अब जो ऊपर भी ग्रो करते हैं यहाँ पर भी जो ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर ही होती है, तो ज़्यादा होती नहीं है। एंड बियर एंड इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट फिंगर लाइक लीव्स, और पत्तियाँ भी कैसी हैं, ये फिंगर लाइक हैं, पतली पतली हैं, बहुत जैसे मॉस की बाकी पत्तियाँ होती हैं वैसी नहीं है, सिलेंड्रिकल हैं, गोल गोल लीव्स हैं, और वो भी कितनी है, 1 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो सब मिला के काफ़ी छोटे ही है। दीज लीव्स आर डीपली डिवाइडेड इन टू 2 और मोर फिलामेंट्स, अ करेक्टरिस्टिक नॉट फाउंड इन अदर मॉस, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं और साथ साथ जो लीफ है वो काफ़ी ब्रिटिल होती है, ये वो करेक्टर हैं जो मॉसेस में यूजुअली नहीं पाए जाते, इसलिए क्या है, अनयूजुअल मॉस है। तो अगर फर्टाइल ना मिलता तो ये लिवर वल्ट होता, लेकिन फर्टाइल इसमें आर्चिगोनिया, एंथीडिया और कैप्सूल बाद में मिल गए 1993 में, इसलिए ये मॉस में आ गया, अदरवाइज ये लिवर वल्ट में आप पढ़ रहे होते। यूनिक करेक्टरिस्टिक क्या है? तो टकाकिया का स्पोरोफाइट का ये एक डायग्राम है जो रेंजेग्लिया ने दिया था,
इसमें ये आप देख लीजिए, ये ऊपर की कवरिंग है जो कि गैमेटोफिटिक ओरिजिन की होती है और इसको हम कहते हैं कैलिप्टरा। बीच में ये छोटा सा इस तरह का एक ब्लैक स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख जाता है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये है कॉलोमेला। यहाँ पर ये सीटा वाला पार्ट है, तो ये सीटा बन गया और ये वेजिन्यूला है जहाँ से ये निकल रहा है। तो ये पार्ट किसका हो गया, ये आर्चिगोनियम का हो गया। आर्चिगोनियम का हो गया। यूनिक करेक्टर, अनलाइक इन अदर ब्रायोफाइट द एग प्रोड्यूसिंग आर्चिगोनिया एंड स्पर्म प्रोड्यूसिंग एंथ्रीडी आर नॉट सराउंडेड बाई पेरिकिटियल लीव्स। इसमें कोई पेरिकिटियल लीव नहीं होती। इंस्टेड द गेमिटेंजी आर नेकेड इन द एंगल फॉर्म बिटवीन द स्टेम एंड द वेजिटेटिव लीव्स। द स्पोरोफाइट डेवलप्स अ लॉन्ग स्टॉक एंडिंग इन एलोंगेटेड स्पोर कैप्सूल। द कैप्सूल कंटेन्स अ सेंट्रल कोलोमेला ओवर एंड अराउंड विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन द स्पोरोफाइट इज मैच्योर द कैप्सूल रप्चर अलोंग अ सिंगल स्पायरल स्लिट टू रिलीज द स्पोर्स। तो कुल मिला के बात वही है कि जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सिंपल टाइप का है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो है भी नहीं यहाँ पर। जैसे कि इसमें कोई आप देख रहे हैं कि सीटा आपको ये नज़र आ रहा है और फुट यहाँ पर कहीं एम्बेडेड होगा और वेजिनुला से ये बाहर की तरफ सीटा निकल आता है। सीटा के ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ से ये तोड़ के निकलता है, तो ऊपर कैलिप्टरा होती गैमेटोफिटिक ओरिजिन की और बीच में यहाँ पर कॉलोमेला होता है जो इसको स्ट्रेंथ देता है। और इसके कॉलोमेला में यहाँ पर कहीं पर अगर इसको इस रंग से बना दें तो यहाँ पर जो है वो डोम शेप आर्किस्पोरियम होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये डोम शेप आर्किस्पोरियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़े थे अभी स्फेग्नम में और उसके बाद जो एंड्रिया था वहाँ पर भी ऐसे ही था। तो डोम शेप इस तरह का स्ट्रक्चर जो पहले भी बताया था ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये कॉलोमेला होगा और ये आर्किस्पोरियम हो गया। तो बस जो कैप्सूल है वो किस तरह का, इलॉन्गेटेड टाइप का है। और ये अपने आप में एक बड़ा करेक्टर था जो कि इसकी पहचान का कारण बना। तो इलॉन्गेटेड स्पोर कैप्सूल, कैप्सूल कंटेन सेंट्रल कॉलोमेला, ये सभी मॉस में होती है, तो मॉस का करेक्टर मिल गया। और रप्चर्स अलॉन्ग सिंगल स्पायरल स्प्लिट टू रिलीज द स्पोर। आपने वहाँ पर जो इस कैप्सूल देखा था उसमें इस तरह से उसकी स्प्लिटिंग थी, तो ये स्पायरली स्प्लिट करता है और यहाँ से ये स्पोर्स बाहर चले जाते हैं। अब एक जो इसमें स्पीशीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है टकाकिया लेपिडोजॉइडिस। इसका हैबिटेट क्या है, टिपिकली लिव्स इन रॉक ऑफन नियर वाटरफॉल और टेम्परेट रीजन ऑफ द टुंड्रा। तो ये देख लीजिए, ये वाटरफॉल के आसपास की जो चट्टाने होती हैं वहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जान जान जोखिम में होती है और बहुत से कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू ये सब भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से इन्होंने कलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो पसंदीदा जगह है वो क्या है, वाटरफॉल्स के आसपास की जो चट्टाने होती हैं वहाँ पर मिलता है। गेमेटोफाइट इसका देखते हैं, टकाकिया लेपिडोजॉइडिस। कि अब लेपिडोजाइडिस इसलिए नाम है क्योंकि लेपिडोजिया जो मैंने बताया था लीवर वर्ल्ट है, पहले उसमें डाल दिया गया था। तो जब ये दोबारा इसका रीनोमेंक्लेचर हुआ तो पुराना नाम साथ में जुड़ा रहा ताकि लोगों को पढ़ने में पता चल जाए कि कभी ये लेपिडोजिया था। तो टकाकिया लेपिडोजाइडिस शूट्स आर विविड ग्रीन एंड रेडियली एंड इरेगुलरली अरेंज लीव। तो ये देख लीजिए, इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई यहाँ से निकल लिए, कोई यहाँ से निकल लिए, कोई यहीं से निकल ली है। इस तरह से इसमें वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, सिंगल सिंगल इस जो एक तरह से स्टाउट सी लीव जो हैं बनी जा रही हैं और यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि इस तरह की लीव जो हैं वो किस में मिलती हैं, लेपिडोजिया में मिलती हैं, और इसी वजह से जब तक फर्टाइल नहीं मिला था तब तक इसे हमने लिवर वर्ल्ट में रखा था लेपिडोजिया के साथ। और साथ साथ इसमें ऑयल ड्रॉप्स भी होती हैं, वो भी करेक्टर किसका है, लेपिडोजिया का, जो कि लीवर वर्ल्ट है। मॉस में ऑयल ड्रॉप्स नहीं होती, इसमें मिल जाती हैं। लीफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, इंडिविजुअल लीव्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती हैं, टेपर्ड ऊपर की तरफ, ये देखिए टेपर्ड हैं ये इस तरह से, एंड डिवाइडेड
और लोब्ड 2 to 4, तो 2 से 4 में होती हैं। तो अगर ये डिवाइड करेगी तो ऐसे एक और बन जाएगी यहीं पर। द लीव्स आर टिपिकली ट्राई स्ट्रेटोज एंड कंटेन ऑयल ड्रॉप। और यहाँ पर जो है वो 3 परतें होती हैं सेल्स की, तो इसमें ऑयल ड्रॉप्स भी मिलती हैं, जो कि ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं छोटी छोटी गोल गोल ऑयल ड्रॉप्स। ये भी करेक्टर लीवरवल्ट का है जो इसमें मिलता था। तो पत्ती भी लीवरवल्ट की तरह थी, उसके अंदर ऑयल ड्रॉप जो चमकीली चमकीली आपको येलोइश दिख रही हैं ऑयल ड्रॉप्स हैं। और 3 परतें होती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई स्टेल्टोस और ऑयल ड्रॉप्स। एक्जिलरी म्यूसिलेज हेयर लोकेटेड एट द लीफ बेस। अब यहाँ पर ये भी एक करेक्टर है कि म्यूसिलेज हेयर जो है वो ये लीफ है और ये इसका बेस है, ये लीफ का बेस है, और यहाँ पर ये म्यूसिलेज एक्जिलरी हेयर्स की जो इसको ये हेयर्स है म्यूसिलेजिनस है, इसको हम कहते हैं एक्जिलरी म्यूसिलेज हेयर्स। ये भी मिलता है, ये भी इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है, हमें याद रखना चाहिए। ये एक्सेस हो गई। स्टेम एक्सिस, द स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिकल एंड वीक कंडक्टिंग स्ट्रैंड दैट आर विजिबल इन क्रॉस सेक्शन। अब इसमें क्या है, थोड़ी बहुत क्यूटिकल मिल जाती है बाहरी लेयर पे, जो कि यहाँ पर हमें कहीं पर हल्की फुल्की क्यूटिकल दिख जाती है, अदरवाइज ज़्यादा कोई इतनी घनघोर क्यूटिकल नहीं होती है। और बाकी इसमें कंडक्टिंग स्टैंड है, वीक कंडक्टिंग स्टैंड, जो ये डेंस कलर का आपको आ रहा है ये कंडक्टिंग स्टैंड हो गए वीक दोनों। तो कुछ इसमें लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड इनकी बात एक दिन हुई थी, तो उसी तरह से ये एक्ट करते हैं। दैट इज विजिबल इन क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे तो इस तरह के सारी सेल्स तो आपको लगभग पारदर्शी से दिख रही हैं, लेकिन कुछ सेल्स आपको यहाँ पर ये डेंस दिखेंगे, तो ये माना जाता है कि ये कंडक्शन करती हैं। इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। अब इंटरकैलरी का मतलब है कि बीचों बीच में से एक राइजोमेटस ब्रांच निकल रहा है। राइजोमेटस ब्रांच का मतलब कि जो राइजोम वाला या राइजोइड वाला हिस्सा बनाती हैं। शूट्स आर कनेक्टेड बाई ए इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। शूट्स स्टैंड डायरेक्ट, ये तो हो गई शूट। द इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच डू नॉट हैव क्यूटिकल एंड कलरलेस। और ये जो आपका दिख रहा है, ये सब ये पोर्शन, ये बीचों बीच से निकल आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच, जो कि इसमें कोई कलर नहीं है। तो इस तरह से जो ब्रांचिंग होती है कि जो जंक्शन है दो चीज़ों का, यहाँ पर एक इरेक्ट ब्रांच जा रही है, यहाँ पर एक इरेक्ट ब्रांच जा रही है, उनके पास में से या उनके बीच में से इधर से या इधर से कुछ एक नई ब्रांच निकला है जो कि कलरलेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। तो ये भी इसका एक फीचर है। न्यू स्टेम, न्यू स्टेम एंड शूट्स अराइज फ्रॉम द इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं वहां पर निकला था स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये इसका ओल्ड स्टेम है, और ये जो नीचे का हिस्सा जा रहा है जो कि आपका प्रोस्टेट जा रहा है, ये तो इरेक्ट जा रहा था, ये इरेक्ट जा रहा था और ये प्रोस्टेट जा रहा है। अब इसमें से बीचों बीच में से इंटरकैलेट करके एक नया स्ट्रक्चर आ गया, और इसी को हम कहेंगे न्यू स्टेम। ऐसे ही यहाँ पर निकल रहा है, ये भी न्यू स्टेम, तो यहाँ पर भी एक प्लांट बन जाएगा आगे चल के, और यहाँ पर भी एक प्लांट बन जाएगा, तो ये जो पूरी आपका पहले वाला प्लांट था ये और डेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ब्रांचिंग जो है इंटरकैलरी होती रहती है, इसीलिए जो इसकी ग्रोथ है वो बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, और दूर से हमें यही लगता है कि एल्गी के ऊपर कोई ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसमें करेक्टर है जो हमें याद रखना है, कि अगर सवाल आ जाए कि सेलियंट फीचर ऑफ टका किया, तो उसमें आप कई चीज़ें लिख सकते हैं जो शुरू से अभी तक बताई जा रही हैं। म्यूसिलेज सेल्स जो बताई गई थी, और उसका एक फिगर भी पीछे दिखाया था, तो स्टेम के ऊपर जिसकी शुरू में बात हुई थी कि स्टेम के ऊपर इस तरह के ये उभार आ जाते हैं जो कि म्यूसिलेजिनस सेल्स होती हैं, क्लस्टर होते हैं, बहुत से हैं इसके अंदर, और ये सारे के सारे म्यूसिलेजिनस सेल्स के क्लस्टर हैं। बीग्ड म्यूसिलेजिनस सेल्स हेल्प मेंटेन मॉइस्चर एंड टकाकिया लेपिडोइजिड लेपिडोजॉइडिस डज नॉट टॉलरेट डेसिकेशन वेल। अब इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज इसमें टकाकिया लेपिडोइजिड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेसिकेशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं म्यूसिलेज सेल्स इस तरह से मुड़ गई नीचे, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पानी है वो उसका जो ओपनिंग है वो ऊपर ऐसे स्ट्रेट खुली नहीं है कि नीचे ये स्ट्रक्चर बन जाए और यहाँ से पानी इवापोरेट हो जाए।
तो ये मुड़ गई और इन्होंने जो है वो पानी के लॉस को रोक लिया इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये डेसिकेशन को उतना अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इनमें जो इनकी सेल्स हैं, म्यूसिलेज सेल्स हैं, उन्होंने अपना मैकेनिज्म बदला, और जो पहले तो ये थोड़ा ग्रो करती हैं, पतली हो जाती हैं, उसके बाद ही नीचे की तरफ घूम जाती हैं। तो ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर टकाकिया का। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करी जाए तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर बॉर्न लेटरली, लेटरली बॉर्न होते हैं, जैसे कि लीव्स चलती हैं वैसे ये भी हो जाते हैं। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पेरिगोनियल एंड पेरिकेटियल लीफ, पेरिगोनियल पेरिकेटियल लीफ में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होता जैसे कि दूसरे मॉसेस में होता है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्चिगोनिया आर फ्लैट शेप्ड एंड इमर्ज अमंग लीव्स, और आर्चिगोनिया आप देख रहे हैं कि ये बीचों बीच लीव्स के बीचों बीच में निकल आती है और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। ये लीफ हो गई, ये भी लीफ हो गई, और ये क्या है? आर्चिगोनिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इस कॉडोकस लीफ फॉल ऑफ रेडली एंड सर्वेज एसेक्सुअल प्रोपोगल्स। तो पत्तियां जो हैं वो गिरती हैं, पर्ण पाती मतलब पत्तियां फटाफट, ये जितनी भी फाइलेट्स हैं ये गिरती जाती हैं, और गिरती जाती हैं और कंडीशन अच्छी है तो हर पत्ती में उसी तरह से जो है वो आगे की तरफ प्लांट बनता चला जाता है। तो हर पत्ती अपने आप में एक स्पोर की तरह काम करती है और बिल्कुल वैसे ही हूबहू प्लांट बना देती है जिससे वो जिस प्लांट से वो गिरी हुई होती है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन बनना है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, क्योंकि सारी पत्तियाँ अब एक पर एक पेड़ में कई पत्तियाँ हैं और सभी पत्तियाँ गिर जाएंगी तो असंख्य पेड़ इसमें हो जाते हैं। और इस तरह से जो पुराना गैमेटोफाइट है वो भी चलता रहता है और जो गिरते हुए पत्तियाँ हैं वो नए गैमेटोफाइट बनाती रहती हैं। तो पॉपुलेशन एक ही जगह पर आपको इस तरह से डेंसिटी बढ़ती हुई दिख जाती है। तो ये भी सिग्निफिकेंट है कि इसमें जो है वो लीव्स कैसी हैं, कॉडोकस लीव्स हैं, और जब गिर जाती हैं तो नया प्लांट उन लीव से, जो इस तरह की लीव्स हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल तो भाई ये हो गई आपकी इस तरह की लीफ हो गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी मिडरी वगैरह नहीं पाई जाती है और इस तरह की फाइलेट्स पाई जाती हैं, और ये गिर जाती हैं, यहाँ से गिर गई और इनसे नया प्लांट बन जाता है। क्योंकि प्लांट में जो सेल्स हैं वो टोटिपोटेंट होती हैं, इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट आप देखिए यहाँ पर ये एलएस दिखाई गई है और इसमें ये घुमा हुआ सा जो है आर्किस्पोरियम है डोम लाइक, और बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये कोलोमेला है, ये आर्किस्पोरियम है। ये बाहर की जो छोटी ल्यूमेन वाली सेल्स हैं, थिकनिंग वाली आउटर लेयर ऑफ सेल्स हो गई, ये इनर लेयर ऑफ सेल्स हो गई, और ये पूरा सैक है। यहाँ पर आपका ये सीटा हो गया, इसमें नीचे कहीं जो है धंसा हुआ फुट मिलेगा गैमेटोफाइट में। और जो इनका निकलने का होता है वो आप देख सकते हैं कि ये लेटरली निकलती हैं, तो क्योंकि पत्तियाँ निकल रही हैं ये सब, और पत्तियों के बीच में अचानक से आर्चिगोनिया ये बनता है, और आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होने के बाद ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और जो कैप्सूल अगर आप देखेंगे बाहर से तो आपको इस तरह से नज़र आता है, जिसमें एक ये स्पायरल स्लिट है, ये पीछे घूमी होगी इस तरह से, और ये स्लिट है यही खुलती है, और उसी वजह से जब हमें खुला हुआ कैप्सूल दिखता है तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है, और यहाँ से ये स्पोर्स निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि इसमें जो थिकन जो इसमें ओपनिंग है वो स्पायरली होती है, एक ही स्लिट होती है और स्पायरल, तो सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट है। कैसी अरेंज है? स्पायरल अरेंज है। तो ये स्पोरोफाइट हो गया, ये आपका डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, ये आर्चिगोनियल ब्रांच हो गई, फीमेल ब्रांच। और अगर उसका आप और देखें सेक्शन काट के, तो सेक्शन काट के आप ये देख सकते हैं ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आर्चिगोनिया है, तो क्लस्टर में बनते हैं, ग्रुप में। तो ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, यहाँ पर आपको ये इसमें स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, कोई इलेटर नहीं होता, तो इलेटर एबसेंट। करेक्टर किसका हो गया? मॉसिस का हो गया, इलेटर एबसेंट। स्पोर ट्राइरेडिएट मार्क के साथ बनते हैं क्योंकि कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपका रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आप फर्टाइल स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो आपको यही सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कि एलएस ऑफ कैप्सूल है तो सिंपल सा है, कैप्सूल वॉल बना देंगे, बाहर की लेयर आप उसमें जो है वो दिखा देंगे थोड़ी थिक थिक वॉल वाली है, अंदर की लेयर नॉर्मल है और मल्टी लेयर्ड है,
और बीच में आपका ये स्पोर सैक आ गया जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, आर्किस्पोरियम भी कह सकते हैं इसको, ये कोलोमेला हो गया जो यहाँ तक पूरा यहाँ तक नहीं जाता है, सिर्फ यहीं तक रहता है। ये भी बात ध्यान में रख कि कोलोमेला की जो ग्रोथ है वो ऊपर तक नहीं होती बल्कि लगभग हाफ से थोड़ा सा नीचे तक वो ख़त्म हो जाता है, और नीचे से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे सीटा हो गया, सीटा के नीचे फुट हो गया, और फुट कहाँ से निकला है, आर्चिगोनिया से। और जब ये निकलता है तो इसके ऊपर एक कैलिप्ट्रा होती है, जो डायग्राम आपको पीछे दिखाया था उसमें कैलिप्ट्रा थी। तो कैलिप्ट्रा जो है वो गैमेटोफिटिक ओरिजिन की होती है और बाद में वो यहाँ से हट जाती है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट उन सबको है जहाँ जहाँ से ये आपको पढ़ाने के लिए मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था। Thank you for watching.